आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने दावा किया है कि देश गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मैं लोगों से देश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान करता हूं। संपूर्ण क्रांति दिवस में वर्चुअली संबोधित करते हुए लालू यादव ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है, देश गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। जिस तरह संपूर्ण क्रांति के लिए जयप्रकाश जी ने लाखों लोगों को तैयार किया था, मैं आपसे अपील करता हूँ, आप सब एकजुट रहें, हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। आरजेडी चीफ बोले कि आज देश में तानाशाही और धूर्त सत्ता हमारे देश के भाईचारे और एकता को नष्ट करना चाहती है। लालू यादव के इस बयान के बाद बीजेपी भड़क गई और रविशंकर प्रसाद ने इसको लेकर लालू यादव पर पलटवार किया। जेपी ने उस वक्त नारा दिया था कि भ्रष्टाचार मिटाओ, नया बिहार बनाओ। आज जो लोग पूर्ण क्रांति की बात कर रहे हैं, उनका जेपी के नारे के बारे में क्या कहना है? बता दें, आरजेडी द्वारा आयोजित संपूर्ण क्रांति दिवस कार्यक्रम में लालू यादव के पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। लालू यादव ने एक वीडियो संदेश भेजा जिसमें उन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि दी।